इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, ITF शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ITF है ना भाई, ITF फुल फॉर्म क्या है इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम लोग इसे करेंगे, ITF डॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है अपना, ठीक है, इसका मतलब ये है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको ठीक ठाक लर्न होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर एक्सप्रेशन आपको याद हैं तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ बेसिक चीज़ें जान लो बस। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं जो आपको जानने हैं स्टार्टिंग में, वो मैं अभी बता देता हूँ, तो देखिए सारे फटाफट आपको फार्मूले बनने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फार्मूले में कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, आप बताइएगा कितना आपको आता है कैसे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो हमेशा किस में लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे, ये तो क्लियर है ना, बताओ भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज हैं हमारे, 6 हैं, साइन कॉस टाइन सेक और कॉसेक, 6 है ना टोटल, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए जैसे ए बी सी एक हमने ट्रायंगल ले लिया है जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर एंगल मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ थीटा है या जो भी एंगल है, तो जरा हमें बताना ये हमारा बेस हो जाएगा, ये होगा हमारा अपना परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें बताइए पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस साहब कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर का क्या होगा, इक्वल होगा, ये बताते हैं पाइथागोरस साहब, बोलो भाई ये बताया उन्होंने। अब यहाँ से हमें बताओ जो 60 रेशियोज हमने पढ़ा है, जो टी रेशियोज हम लोगों ने पढ़े हैं टोटल 6, उनके एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके बेसिस पे क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए हमें। 60 रेशियोज जो हमारे हैं, हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा में एंगल कंसीडर करके लिखना चाहता हूं तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले तो क्या है अपना, अब मान लीजिए पहले के लिए लिख रहा हूं साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें कौन सी साइड है अपनी, ए बी है, और हाइपोटेनस कौन सी है साइड अपनी बताओ, क्लियर है ना, ठीक है। फिर इसी के साथ लिख देते हैं कॉसेक का, कॉसेक जस्ट क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं, यह होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं जरा बताओ, तीसरा कॉस का बताओ जरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस, बेस यहाँ पर क्या है बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी है, फोर्थ कौन सा है जरा बताना अपना, सेक लिखे है ना, इसके साथ लिखते हैं जो टी रेशियो लिख रहे हैं उसका जो रेसिप्रोकल है साथ साथ लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्या है, साथ साथ ही लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा जरा बताना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन बी, और लास्ट आपका कौन सा है जरा बताएं, टेन, टेन में क्या लिखेंगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है इसमें जरा बताना, क्या है ए बी अपॉन बी सी है, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कौन सा है कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, और टेन और कॉट का ही साइन कॉस के अगर टर्म में हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टेन थीटा को अगर साइन कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना जरा बताना कॉस थीटा अपॉन, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो हमें याद ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किस कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है ये सब पता है, टेबल भी आपको पता है, टेबल अगर आपने नहीं कल लर्न कर रखे हैं टेबल आप कहाँ देखिएगा, हमने FMCC वाले प्लेलिस्ट में टेबल का भी एक कॉन्सेप्ट, एक टेबल पूरा पूरा हमने डराइव करके वहाँ दिखा दिया है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है कैसे डराइव करेंगे कैसे याद करेंगे सब बता रखा है एकदम डिटेल में, जाकर वहाँ देख लीजिएगा,
एफएमसीसी वाले प्लेलिस्ट में मैथ्स के, वहाँ मिल जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। बाकी जहाँ प्रॉब्लम हुई मैं बता दूंगा, बट आपको वहाँ डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत परेशान होने की ज़रूरत। ओके आगे बढ़ें, चलिए अब आते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इसमें, तो अब ये तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी क्या होती है हमारी नेगेटिव होती है। तुम्हें ये पता होगा, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है दोस्त, ये क्या है 180 है, ये क्या है 270, एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन और कॉसेक ही क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक थीटा ही क्या होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, एंगल जो भी हो लिखे गए अभी ये लिखेंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, केवल साइन और कॉसेक ही इसमें क्या होगा पॉजिटिव। ये सब आप जानते हैं, बस मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना आए। और यहाँ क्या क्या होता है भाई, टैन और कॉट, एंगल जो भी होगा मैं थीटा लिख दे रहा हूँ अभी, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और थीटा ही केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नहीं। ये तीन चार बातें आपको पहले ध्यान रखनी है ना, ठीक है। अब लिखेंगे, देखो अब ये समझिएगा, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले ये समझना कि अगर कहीं लिखा है टेन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे 1/√3, ये इसका एंगल है। टेन जितनी भी टी रेशियोज हैं 6, अगर एंगल पे उसको हम ऑपरेट कर देंगे तो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है वैल्यू। तो ये है हमारा एंगल, ये समझना, ये है अपना एंगल, एंगल पे टी रेशियो को ऑपरेट करते हैं तो उससे इसकी क्या निकल के आती है भैया, उस एंगल पे वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है वैल्यू। जब हम टी रेशियोज की बात करेंगे, जब आप टी रेशियो की बात करेंगे तो टी रेशियो के केस में क्या होगा, जब हम लिखेंगे टेन इनवर्स 1/√3, यहाँ क्या जाएगा, अब ये वैल्यू है टेन इनवर्स को इस पे ऑपरेट करूंगा तो ये क्या देगा हमें एंगल देगा, क्या देगा ये हमें एंगल। टी रेशियोज का कोई भी इनवर्स किसी नंबर पे ऑपरेट किए रहेंगे ये इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ये हमेशा क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद इसको ऑपरेट करने के बाद जो मिलेगा वो हमेशा क्या होता है एंगल होता है, वो हमेशा क्या होता है एंगल होता है। अब इसके बाद इसका कन्वर्जन कैसे निकलता है, ये चीज कैसे आया ये समझना, तुमने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा, या इनवर्स नंबर्स को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है 1 आ जाता है, लेकिन फंक्शन में इस तरह से आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि कहीं पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है x^-2 और यहाँ लिखा है x², तो आप हमेशा क्या लिखते हो 1, इसका मतलब क्या है x^-2 को x^2 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो पावर 0 हो जाएगा, या तो कोई ऐसे लिख लेगा 1/x² × x², x² से x² कैंसिल होगा तो 1 ही तो आ जाएगा। कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई वेरिएबल दिया है तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फंक्शन के केस में आप इस तरह से उसको कटआउट करके नहीं लिखेंगे। जब हम फंक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे इस तरह से कट करके सॉल्व नहीं करेंगे उसको, हाँ वो कैंसिल होंगे लेकिन फंक्शन अपने आप में ऑपरेट होकर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। देखिए जैसे अब यहाँ टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हमने 30 डिग्री रखी तो क्या है इसका मतलब, अब देखो यहाँ क्या है समझना, तो हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर हमें इसका एंगल निकालना है, अगर टेन इनवर्स है तो टेन को ही दोनों साइड क्या कर देंगे ऑपरेट, बहुत ध्यान रखना जो भी इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिएगा वही फंक्शन हमें ऑपरेट करना है, टेन इनवर्स है तो टेन को ही ऑपरेट करना है, कॉट इनवर्स है तो कॉट को ही ऑपरेट करना है, सेक है तो सेक को ही ऑपरेट करना है, कॉस होगा तो कॉस को ही ऑपरेट करना है, साइन है तो साइन को ही ऑपरेट, अगर साइन कॉस में नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे जो आप जानते हैं कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, 90 - θ, 90+θ, 180+θ, 180 - θ, वो कन्वर्जन आप कर लेंगे, लेकिन हमेशा सेम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अपने इनवर्स को क्या करेंगे ऑपरेट करके कैंसिल करेंगे, ये नहीं कि कोई भी किसी को कर देगा, साइन इनवर्स दिया है कॉस को ऑपरेट करके आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये एकदम क्लियर रखना, ठीक है। अब देखो टेन है तो टेन को ही ऑपरेट करा जाए, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए टेन दोनों साइड ऑपरेट करेंगे, तो टेन करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स है ब्रैकेट में 1/√3 और वहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री, यहाँ है क्या क्या है टेन 30। अब वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझना, अब क्या होगा देखो, अब ये टेन को इसमें क्या करेंगे अपने ऑपरेट करेंगे तो ये टेन टेन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, वैनिश हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे फंक्शन,
लेकिन कैंसिल करके दिखाना नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थर्टी, ये ऐसे है, ये वैल्यू निकल गया। ये तो बस एंगल में हमने बताया, अब कहीं कोई वेरिएबल दे रखा है आपको। अब जैसे मान लीजिए, ये समझ में आया कि नहीं, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है, अभी टेन की हम बात कर रहे हैं तो टेन ही लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए लिखा है कहीं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन लिखा है, तो पूछा जा रहा है x की वैल्यू। अब x यहाँ क्या होगा, वैल्यू होगा कि एंगल होगा, इनवर्स में जब होगा तो वह एंगल होगा हमेशा, इनवर्स में अगर होगा तो हमेशा वो क्या होगा, एंगल। तो ये एंगल है बेसिकली, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें tan दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करें, tan क्या करें दोनों साइड ऑपरेट कर दें, या tan ले ले दोनों साइड का, क्यों हो जाएगा tan tan इनवर्स x हो जाएगा tan 1 है ये, सॉरी ये tan इनवर्स इक्वल टू ये है। अब मान लीजिए tan हम लेंगे तो इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं ना, बेसिकली हमें इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। या अब यहाँ से तुम ना क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा है tan को हम ऑपरेट कर रहे हैं ये 1 हो गया, ये एंगल देगा हमेशा, इसको एंगल में लिखना दोस्त, ये चीज़ मैं गलत कर दे रहा, फिर जीरो लिख देंगे अभी आ जाएगा, हालांकि ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, कहो तो लिख दिए यहीं, चलो यही लिख देता हूँ, अगर लिखा था मैंने तो यही लिख देते हैं। मान लीजिए ये 1 है तो अब tan इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, सॉरी tan ऑपरेट कर रहे हैं ना, tan ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 1 हो जाएगा। अब ये tan से tan क्या होगा, तो क्या होगा ये है ना, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1। अब tan देखो tan 1 आ गया, tan 1 है ये, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 1 क्या है, 0 के बहुत क्लोज है, तो tan 1 की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, tan 1 की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, 0 ही आएगी, हालांकि टेबल में देखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट x की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 0 ही आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये क्या है, x इसमें क्या है बताओ, एंगल है कि वैल्यू है, ये वैल्यू है, इस पे ऑपरेट होने के बाद जो देगा वो हमेशा क्या होगा, एंगल होगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है tan इनवर्स y इक्वल टू, अगर यहाँ लिखा है 45, ये हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हमने किसी भी वेरिएबल या किसी पे भी ऑपरेट किया है तो हमेशा रिजल्ट में क्या देगा, एंगल देगा, हमेशा वो क्या देगा, एंगल। अब ये एंगल दे रहा है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, tan दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, tan को दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ tan ऑफ tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 45। अब ये tan tan ऑपरेट होकर कैंसिल हो जाएंगे, वही तो ये हो जाएगा y, tan 45 वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये हमेशा वैल्यू होती है, लेकिन जब tan इनवर्स को इसको ऑपरेट करते हैं तो हमेशा क्या देगा, वो एंगल देगा। कभी इनवर्स में दिया रहेगा आपसे वैल्यू पूछेगा, कभी वैल्यू दिया रहेगा इनवर्स में पूछेगा। अब कहीं ऐसे दिया है, मान लो दूसरे तरीके से दिया है, अब दिया है क्वेश्चन में आपको कि tan इनवर्स या tan थीटा इक्वल टू अगर आपको दिया है 45 डिग्री तो आप हमें बताएं, या tan थीटा इक्वल टू कोई वैल्यू दिया रहेगा ना, तो tan थीटा इक्वल टू मान लो अगर लिखा है क्या आपका √3, तो हमें आप बताएं थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका क्या है, एक आदमी जनरल तरीके से कैसे करेगा, अगर tan थीटा लिखा है तो इस √3 को भी tan में ही लिख लें हम, √3 को भी क्या करें हम tan में लिख लें। दो तरीके हैं दोस्त, पहला जनरल तरीके से करेंगे तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होगा ना, tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, tan 60। अब दोनों साइड tan है तो आप tan tan हटा देते हैं, लेकिन tan tan जो हटाते हैं इसकी बेसिकली प्रोसीजर क्या है इसका, हम tan इनवर्स से दोनों साइड को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, या tan इनवर्स दोनों साइड में क्या करते हैं, ऑपरेट कर देंगे हम, तो tan tan हटा देते हैं, आप बोलते हैं tan इक्वल टू क्या हो गया, या थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। जबकि इसका सही तरीका क्या है, हम दोनों साइड tan इनवर्स ही क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मतलब इस स्टेप में हम क्या किए होंगे, बेसिकली हम tan इनवर्स इधर भी लिए होंगे और वहां भी क्या किए होंगे, tan इनवर्स tan 60 होगा ये। अब ये tan tan इनवर्स एक दूसरे को ऑपरेट होकर कैंसिल करेंगे, यहाँ थीटा बचेगा, वहां ऑपरेट होकर कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 60। ये बेसिकली प्रोसीजर है हमारा, नहीं तो कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट भी कर देगा, डायरेक्ट ऑपरेट कर देगा, यहीं से डायरेक्ट ऑपरेट करेगा, क्या करेगा, tan इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर देगा, tan इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स √3 यही होगा दोस्त। अब ये tan ऑपरेट होगा कैंसिल हो जाएगा, थीटा हो गया। अब tan कितने की वैल्यू है ये तुम्हारी, √3, tan 60 की है, क्योंकि tan में ही है ना ये, तो tan में लिखेंगे इसको, बाकी √3 cot में भी आएगा, लेकिन tan में है तो tan में लिखेंगे ना हमने कहा। अब ये दोनों एक दूसरे को ऑपरेट होकर कैंसिल कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। किसी भी तरीके से करें लेकिन प्रोसीजर वही है,
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसके इनवर्स को दोनों साइड ऑपरेट करना होता है हमें, तब वहां से जाकर उसका क्या हो गया, जो भी है एंगल निकलेगा। ये तो तरीका है मोटा मोटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन कन्वर्जन की बात आती है, मेन किसकी बात आती है, अब समझना। तो इसके फार्मूले हैं, अब यहाँ समझना क्या है क्या नहीं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो बस ये है कि क्या एंगल देगा, कब वैल्यू निकलेगी, ये समझ लिए हम। अब ये समझते हैं कि जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, इनके बहुत सारे फार्मूले हैं। साइन ए प्लस बी का है, साइन ए माइनस बी का है, कॉस ए प्लस बी का है, कॉस ए माइनस बी का है, टैन ए प्लस बी का है, टैन ए माइनस बी का है, साइन थ्री ए का है या साइन थ्री थीटा का है, कॉस थ्री ए का है, कॉस थ्री थीटा का है, टैन थ्री ए का या टैन थ्री थीटा का है, साइन टू ए साइन टू थीटा का है, कॉस टू ए या कॉस टू थीटा का है, बहुत सारे फार्मूले हैं। उनको आप कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, ये सब जानते हैं, ठीक है दोस्त, चले दिया जाए। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताता हूँ। आप देखिए, अब यहाँ से फार्मूले का हमारा दौर शुरू होता है या कॉन्सेप्ट जो भी है, अभी समझना। देखो पहली चीज़, तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। पहला क्या है, अगर साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स का ही लिखा है तो इसका मतलब क्या आएगा, माइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा। दूसरा, अगर कहीं ये लिखा है टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? फिर आए कॉसेक का, देख लो भाई कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स कहीं लिखा है तो ये भी क्या होगा, माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें कोई दिक्कत? अब बचे हुए तुम्हारे तीन हैं, इन तीन को मैं अलग लगता हूँ क्योंकि इन तीनों का अलग आएगा। बच्चे तीन कौन कौन से हैं, अगर कॉस इनवर्स माइनस का एक्स का ही लिखा है इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और दूसरा, अगर सेक इनवर्स लिखा है माइनस ऑफ एक्स तो कॉस का ही रेसिप्रोकल सेक होता है, ये भी लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये भी समझ में आ गई बात? फिर आपका आता है कौन सा, अगर हम बात करें किसकी, कॉट की, तो कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये ध्यान में रखना। तो साइन टेन कॉसेक का ये होगा, कॉस सेक और कॉट का ये होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, चेक कर लेना, बस यही होना चाहिए, ठीक है। ये छह ये ध्यान रखना है पहले, तो ये मेजर आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी साइन विन आ जाता है, कन्फ्यूजन होता है किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, कैसे लेकर चलना है, ये ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत समझ में? अब जो असली फार्मूले, जो हमारे रियल फार्मूले जो स्टार्ट होंगे वो क्या है, ये समझना। देखो पहला फॉर्मेट क्या है, अब मैं देखो नंबरिंग करूंगा भैया, फॉर्मेट एक या टाइप वन कर देते हम इसको, टाइप वन। फर्स्ट टाइप के किस तरह के फार्मूले होंगे ये देखना। देखो अब कभी मान लीजिए फार्मूला ऐसा है, पहला देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होगा, पाई बाई टू होगा। एक फार्मूला ये समझना दोस्त, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू। इसी तरह से sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होगा दोस्त, पाई बाई टू होगा। जो जिसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो थे 90 डिग्री एंगल में, जो जिसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो थे 90 डिग्री में, उन्हीं का इनवर्स का सम हमेशा करने पे पाई बाई टू के इक्वल आएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखते थे तो कॉस आता था, कॉस 90 माइनस थीटा लिखते थे तो साइन आता था, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये नहीं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, नहीं, जो भी एंगल होगा एंगल दोनों का क्या आएगा, सेम। सेक 90 माइनस थीटा करते थे तो कॉसेक थीटा आता था, कॉसेक 90 माइनस थीटा करते थे तो सेक थीटा आता था, इसलिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई टू। टेन 90 माइनस थीटा करते थे तो कॉट थीटा आता था, कॉट 90 माइनस थीटा करते थे तो टेन थीटा आता था, इसलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई टू। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि कौन किसके साथ जाएगा, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो था उन्हीं के इनवर्स का प्लस करेंगे तो जाकर क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, जरा बताना, तीसरा हो जाएगा अपना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अब एक मैं समझा देता हूँ, जो आप लोग कहें वही एक समझा दूँ, बाकी आप समझदार हैं।
एक बता दें कैसे आ रहा है, या सब कर लेंगे आप लोग? कोई एक बता दें, चलिए कौन सा बता दें, कोई भी बता दें अपने मन से। चलिए चलिए, जिसे दिया है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू, सबका एक ही जैसा होगा। अब ये कैसे आ रहा है ये समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, अब देखो ये पाई बाई टू आ रहा है, तो ये जो एक्स लिखा है इनवर्स के साथ, हमने कहा ये वैल्यू होता है कि एंगल होता है, इनवर्स के साथ जो लिखा होता है हमेशा क्या होता है, ये वैल्यू होता है। कुछ ना कुछ एंगल तो मानेंगे दोस्त, मान लेंगे। चलो हमने मान लिया, कुछ मान लेते हैं, किसको माने बताओ, लेट वॉट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेते हैं थीटा है, कोई एंगल आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो अब जरा मुझे बताना, तो यहां से साइन दोनों साइड ऑपरेट कर दें हम, साइन दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ भाई साइन ही ले रहे हैं ना दोनों साइड, अरे साइन ऑपरेट कर रहे हैं दोनों साइड, यहाँ इनवर्स है तो साइन ऑपरेट कर रहे हैं, साइन होता तो साइन इनवर्स ऑपरेट करते, अपोजिट ही तो ऑपरेट करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। भाई इनवर्स है तो साइन ऑपरेट कर रहे हैं, अगर साइन होता तो साइन इनवर्स ऑपरेट करते, तो ये साइन ऑपरेट होकर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स आएगा, यहां क्या आ गया साइन थीटा। अब ये साइन थीटा को अगर मैं कॉस के टर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं बताओ जरा, साइन थीटा को अगर कॉस के टर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं बताओ, ओहो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये एक्स इक्वल टू आएगा कॉस का पाई बाई टू माइनस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं जरा मुझे बताओ, पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे बताना, अगर यहाँ से कॉस हटाना है तो कॉस इनवर्स दोनों साइड क्या कर दूँ, ऑपरेट कर दूँ, कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अब पाई बाई टू माइनस का क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब जरा बताना, अब अंदर कॉस अगर ऑपरेट होगा तो क्या होगा बताओ, कुछ कैंसिल होगा, कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा का हमने क्या माना है भैया साइन इनवर्स एक्स, अब ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई, क्या प्रूफ हो गया जो हम समझ रहे थे, इस तरह से हर का हो जाएगा, प्रूविंग नहीं आएगी लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे आ रहे हैं। इसी तरह से सबका बन जाएगा, जैसे हमने समझा भी तीनों का बन जाएगा, हमने कहा है टाइप वन इन सबका एक जैसे होगा, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब जहां जिस तरह की जरूरत होगी, अगर कहीं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा तो इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, वो साइन इनवर्स एक्स के, कहीं आ गया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सबके जो भी रहेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन में डिमांड रहेगा उस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे, फार्मूला तो एक ही है ना अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, टाइप वन हो गया, इसमें किसी कोई डाउट कोई परेशानी नहीं दोस्त, चलिए अब देखो टाइप टू आया, जाओ टाइप टू, सेकेंड टाइप में किस तरह से होंगे ये समझना, सेकेंड टाइप में क्या होगा, अब मान लीजिए जैसे कहीं साइन दिया है दोस्त, क्या दिया है साइन दिया, साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो ये जो इनवर्स में एक्स लिखा है ये क्या है बेसिकली मुझे बताओ, ये वैल्यू है कि एंगल है, वैल्यू होगी हमेशा, चल देगा ना ऑपरेट करने के बाद, ये साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एंगल देगा लेकिन ये जो एक्स लिखा है ये अपने आप में क्या है वैल्यू है, ठीक है दोस्त। चलिए अब ये देख समझना, अगर इसको हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस सेक के टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में लिखना है, टैन के टर्म में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक का बता देता हूँ सबको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। साइन अगर हमें दिया है, जरा बताना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे टी रेशियोज, आपको क्लियर है, सारे टी रेशियोज किस में लगेंगे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे तो जरा मैं बता रहा हूँ, अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, मैं साइन इनवर्स एक्स को मान ले रहा हूँ थीटा मान ले रहा हूँ, चलो तो यहाँ से एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, अगर मैं थीटा यहाँ पर मान रहा हूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई वन लिख लें, और साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर थीटा हमने यहाँ माना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, बेस ये होगा हमारा, हम बताओ क्या क्या रखें वैल्यू, हम परपेंडिकुलर कितना है अपना यहाँ पर एक्स है, और बताओ हाइपोटेन्यूज कितना है वन, तो बेस कितना हैगा रूट वे वन माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से यही आएगा कि नहीं, आप जरा बताओ। अब मुझे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में लिखनी है तो क्या होगी जरा बताओ,
कॉस इनवर्स एक्स का मैं लिख रहा है तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस में क्या होता है देखो फॉर्मूला हमारा, कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो हमारा रूट में वन माइनस स्क्वायर है, हाइपोटेनस क्या है वन, तो वन लिखने की जरूरत है क्या, तो सिर्फ क्या आ जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कॉस इनवर्स में लिखना है तो वही फार्मूला मुझे याद होना चाहिए, सब हो जाएगा, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस रूट में साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, साइन की वैल्यू पता है तो रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस इनवर्स लगा देंगे क्योंकि इनवर्स में लिखना है। अब टैन में लिखना है तो अब यहाँ समझना, अगर टैन में लिखना होगा तो दोस्त टैन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या है एक्स है और बेस में क्या आ रहा है अपना, यहाँ क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन, कोई परेशानी हो तो बताओ 1% की, ठीक है क्लियर। अब दोस्त देखो ये तो मेजर हो गए हमारे, मेन हो गया फार्मूला ये, अब ये मेन फार्मूला हो गया अपना, अब ये अपना मेन फार्मूला हो गया दोस्त। अब इसमें देखो अगर इसको मुझे sec cosec में लिखना होता तो क्या लिखते cos, एक चीज दोस्त समझ के रखना, मैं आपको शायद नहीं बताया लेकिन ध्यान रखो मैं नीचे बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ sin इनवर्स x है, इसको cosec इनवर्स में लिखेंगे तो cosec इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cos होता है, cos का रेसिप्रोकल cosec का रेसिप्रोकल sin होता है, तो sin इनवर्स x को अगर cosec के टर्म में लिखेंगे तो cosec इनवर्स 1/ क्या आएगा sec x आ जाएगा। इसी तरह से अगर cos इनवर्स x है इसको sec में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये sec इनवर्स 1/x आ जाएगा। इसी तरह से tan का समझिए, अगर ये tan इनवर्स x है इसको cot में लिखेंगे तो cot इनवर्स क्या आ जाएगा 1/x, इसी का जस्ट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, cot का दिया है तो tan में रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहां से समझना, cos का दिया है हमें sec में लिखना है तो क्या हो जाएगा ये sec इनवर्स 1/ इसका क्या हो जाएगा cosec इनवर्स, क्लियर है। यहां अगर cot का लिखना हो तो cot इनवर्स 1-x² / ये बात समझ आ रही है अपनी, कोई दिक्कत अगर नहीं याद है तो राइट एंगल ट्रेंगल बना के निकाल लेना, वहां से तो निकल ही जाएगा ना सब, लेकिन फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये समझो ठीक। अब ये 1/ क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं हमारी बात, बता दूं काटो कैसे आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े, ये साइन इनवर्स में ये फॉर्मूले बनेंगे। अब इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स होता तो कॉस इनवर्स होता तो क्या होगा वैसे अपना हाइपोटेन्यूज होता तो यहाँ x होता ये 1 होता, अब परपेंडिकुलर हमारा 1-x² आएगा, हो जाएगा कि नहीं है बोलो। अब देखो कैसे, देखो अगर cos इनवर्स x है तो समझना दोस्त, यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो अब ये है, अगर यहाँ पर हमने मान लीजिए थीटा माना होता और cos इनवर्स x को हमने क्या मान रखा है थीटा, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया cos थीटा, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ अपॉन में 1 कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 1-x, कोई दिक्कत वाली बात है बताओ। अब cos इनवर्स का दिया है तो क्या sec इनवर्स का हम निकाल पाएंगे यहाँ से, cos इनवर्स का दिया है तो sec इनवर्स क्या होगा जरा बताना मुझे 1/ कोई दिक्कत वाली बात, cos इनवर्स का दिया है तो sin इनवर्स में क्या लिख लेंगे जरा बताना 1-x², अरे sin थीटा इक्वल क्या होगा रूट में 1-cos² थीटा, या यहीं से समझ ले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वही तो आ गया। अब हमें एक tan में लिखना हो तो अब यहाँ समझना tan में क्या आएगा जरा बताना, tan इनवर्स में क्या आएगा, अब sec की हमें वैल्यू दी है tan की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास तरीका क्या होता है जरा बताना, क्या निकालते हैं कैसे निकालते हैं जरा बताओ, क्या यहीं से लिख दो चलो क्या होगा जरा बताना, हो जाएगा क्या हो जाएगा ये अंडर रूट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, और -x² / क्या हो जाएगा x, अब मेन का पता चल गया बाकी सबका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec का हर चीज का निकल जाएगा कि नहीं बताइए, अब यहां से अगर मुझे cosec का लिखना होता cosec इनवर्स 1/ यहां से cot का लिखना होता तो 1/ या इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्लियर है sin cot का समझ में आ गया कि नहीं। अब अगर हमने cot में लिया होता तो दोस्तों समझ जाओ, अगर हमने लिख दिया है कहीं cot इनवर्स x, अब लिखना है मुझे tan में इसका क्या बन जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी अभी tan का लिखते हैं फिर cot में आता है,
लिख लेंगे, सबका कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका बता दे रहा हूँ, बाकी सबका तो हो ही जाएगा। अब आ जाओ टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स है तो, अब टेन में अगर दिया है तो देखो दोस्त, मैं यहाँ छोटा सा ट्रेंगल बना रहा हूँ, यहीं से काम बनाता हूँ अपना, ठीक है। देखो भाई अब बताना तुम लोग, जहाँ समझ में नहीं आया, टेन है ये, अगर ये टेन है, यहाँ हमने एंगल ले लिया है थीटा, टेन एक्स दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, वन प्लस। अब तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बेस दिया है, टेन का दिया है, तो साइन इनवर्स में क्या बनेगा, जरा हमें बताना, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस में लिखना है, तो जरा बताना हमें कॉस इनवर्स क्या होगा, बेस अपॉन, बेस क्या है, वन आया, और यहाँ क्या आएगा, वन प्लस, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबका क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा, जानते ही हो, अगर कॉट का लिखना होगा, अरे यार कॉट का लिखना होगा तो बाकी चीज कौन लिखना हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट इनवर्स में लिखेंगे, साइन का कॉस इनवर्स में लिख देंगे, और कॉस का क्या होगा, सेक इनवर्स, कोई दिक्कत है क्या, हो जाएंगे ये सब बन जाएंगे, रेसिप्रोकल ही तो लिखने हैं, ये इनवर्स वाली बात समझ में आ गई कि नहीं अपने को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस इतना ही, क्लियर। अब आ जाओ देखो, ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, अब हमने ये समझ लिया। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, और जितने भी फार्मूले हैं सब उसको भी देखेंगे, उसको कैसे यूज करना है, छोटे से लेते हैं फिर समझ। अब हमें ज़रा बताइए आप, अगर मैं लिखना चाहता हूँ फार्मूला, टाइप टू हो गया ना, अब टाइप थ्री में आ जाते हैं, टाइप थ्री में आ जाओ, टाइप थ्री में हम लोग समझते हैं ज़रा, देख समझ जाओगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, देखा जा आसान सा है, बहुत टफ है क्या, आसान सा है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कहाँ कब यह यूज़ करना है, तरीका समझ लो सब आसान हो जाएगा, इन कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है अभिषेक, ठीक है, दिख रहा है बे टुकुर टुकुर, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम ठंडी के मारे कांपे जा रहा है, हाँ हाँ आ रहा है, ठीक ठीक। अब देखो देख टाइप थ्री में समझो, अब सम वाले कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं, फिर डिफरेंस वाले अलग से देखेंगे, पहले सम वाले फॉर्मूले देखते हैं कुछ, जैसे साइन का पहले देख लेते हैं हम, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ फिर मुझे बताइए आप, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, क्लियर है ना, यही होता है फार्मूला। अब मैं देखो लिख रहा हूँ ये चीज़, हमें यहाँ इसकी ज़रूरत है, मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, अब यहाँ से देख कर समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें, लेकिन बस यही फार्मूला ध्यान में रखना है अपने को। अब देखो जैसे, अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को मान लेता ए और साइन इनवर्स वाई को मैं मान लेता बी, तो पहले वाले एक्सप्रेशन से देखो जरा यहां से क्या आ जाता, ए इक्वल टू आ जाता, क्या आ जाता, सॉरी साइन ए इक्वल टू एक्स आ जाता, पहले वाले से क्या आ जाएगा भाई, साइन से दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स, दूसरे एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा साइन बी इक्वल टू वाई आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ, साइन इसमें ऑपरेट कर देंगे तो साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स, यहाँ साइन ऑपरेट कर देंगे तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं वहां लिख दिया हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा, और यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या है एक्स है, साइन ए इक्वल टू क्या है यहाँ बताना, एक्स है ना, आया है यहाँ से, तो साइन ए इक्वल टू एक्स है और साइन बी इक्वल टू वाई है, तो कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर बी, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, वन होता है। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, रूट ले लेंगे, वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब मुझे साइन थीटा की निकालनी है वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो क्या होता फार्मूला, वन माइनस रूट में क्या होता है ये, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिलहाल तो साइन की वैल्यू पता है, कॉस का निकालना है तो रूट में आ जाएगा। साइन बी की वैल्यू वाई पता है, कॉस बी की निकालनी है तो रूट माइनस क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, वाई हो जाएगा वन माइनस स्क्वायर प्लस, यहाँ जाना यहाँ प्लस, कॉस ए की वैल्यू नहीं पता है लेकिन साइन ए की वैल्यू पता है, तो साइन ए के टर्म में हम कॉस ए की वैल्यू लिख सकते हैं, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, ये आएगा
इंटू साइन बी, साइन वी की वैल्यू तो वाई है तो इंटू वाई लिख दिया। अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूं, अब ये हो जाएगा हमारा एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, और क्या हो गया, ये हो गया ना। तो अब देखो यहां क्या हो गया, अब ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई हमारी, अगर हमने वो मान लिया है तो। अब साइन इनवर्स दोनों साइड में ऑपरेट कर दे रहा हूं, अगर इस एक्सप्रेशन में साइन इनवर्स दोनों साइड में ऑपरेट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑपरेट करूंगा तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी, उधर आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में पूरा ये आ जाएगा, क्या क्या है, एक्स रूट वे वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वे वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। ए इक्वल टू आपने क्या मान रखा है साइन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल टू आपने क्या मान रखा है साइन इनवर्स वाई, तो ये हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हो गया ए और बी के प्लेस पे। राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स, ये है इनवर्स वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, कोई दिक्कत। इसका मतलब अगर हमें वही फॉर्मूला ए प्लस बी वाला याद हो तो बस लगा देंगे, साइन एक्स की यहाँ मान लेते हैं क्या ये साइन एक्स है, ये क्या है हमारा साइन वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसके हिसाब से रख देंगे वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस में अगर हम लगाएंगे फॉर्मूला तो देखो क्या होगा, दूसरा समझना, अगर कॉस का फॉर्मूला मैं लिख रहा होता कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अब वही चीज मानना है कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए हमारा एक्स होता कॉस बी हमारा क्या होता वाई होता, कॉस में है तो कॉस इनवर्स ही आएगा, ये साइन में था तो साइन इनवर्स आया तो कॉस इनवर्स ही आएगा, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू पता होगा एक्स और वाई, लेकिन साइन ए साइन बी होता है माइनस में तो माइनस के प्लस में है तो माइनस आएगा ना, साइन ए की वैल्यू नहीं पता है तो वन माइनस रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर, और रूट में फिर क्या होगा साइन बी की वैल्यू वन माइनस वाई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, हाँ माइनस वाला भी लेंगे अगले, अभी तो प्लस वाले बता रहे हैं ना दोस्त, अभी पॉजिटिव साइन वाले बता रहे हैं ना, नेगेटिव साइन वाले भी लेंगे हम, इसमें मैं कि नहीं कैसे, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए हमारे लिए क्या होगा एक्स होगा, कॉस बी हमारे लिए क्या होगा वाई होगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा क्योंकि ए इंटू बी होता है कॉस ए इंटू बी, यहाँ साइन ए साइन बी आता है कॉस ए की वैल्यू अगर एक्स है तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी की वैल्यू अगर वाई है तो साइन बी की वैल्यू क्या आएगी रूट में वन माइनस साइन वो आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, रख दिया हमने वैल्यू। अब इसी तरह टेन का समझना, टेन में आ जाओ, देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, अब यहाँ होगा देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन ए के प्लेस पे अपने को क्या रखना है एक्स रखना है, टेन बी के प्लेस पे अपने को क्या रखना है वाई, टेन है तो यहाँ टेन इनवर्स ही आएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा ए टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ए के प्लेस पे टेन ए के प्लेस पे एक्स टेन बी के प्लेस पे वाई आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, प्लस वाले फॉर्मूले समझ में आ गए सब अपने को, इस तरह से कॉट का भी होता है लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, बातें कॉट का भी क्या लिख लेंगे ना, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। ये टाइप थ्री हो गए हमारे, टाइप फोर में क्या है मान लिया डिफरेंस में समझते हैं, अब हम डिफरेंस में आते हैं, चलो इसी में लिखवा देते हैं तुम्हारे डिफरेंस वाले भी, डिफरेंस में आएंगे तो जरा बताना, अब वही साइन चेंज हो जाएगा बस, और क्या है इनका अंतर, साइन वाले में लिखेंगे तो से माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई, क्या होगा फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही सेम पहला वाला ही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला यही रहना है बस, यहाँ साइन क्या जाएगा बीच में नेगेटिव आ जाएगा, कॉस के केस में यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का अपोजिट साइन आता है ना, प्लस का लेते हैं तो माइनस आता है, माइनस का लेते हैं तो प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस था तो माइनस आया है, अभी माइनस वाले का लिखेंगे डिफरेंस वाले का तो यहाँ क्या आएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है दोस्त, आसान सा है बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ही आएगा, तो साइन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई रूट में वन माइनस एक्स, ये तो साइन हाँ बेटा अलग अलग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए होता है ना, ये तो आएगा यूज ना होना बेटा,
पीछे वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे ना हम लोग पूरा, बस वही साइन अपोजिट कर दिया। अब लिखेंगे किसका, कॉस वाली का डिफरेंस में, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, प्लस में होगा, यहाँ प्लस में होगा दोस्त, साइन चेंज हो जाता है ना वहाँ। ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। अब इसी तरह से किसका लिखेंगे हम, टेन का भी लिख लो भैया, टेन का लिखेंगे क्या है क्या बताओ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, हम ये होगा दोस्त, कोई दिक्कत, क्या गया टेन, तो डिफरेंस वाले हैं सम वाले उधर होंगे, साइन का ध्यान रखना है भाई, ये प्लस बी, हमने कहा ना जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, बस फार्मूला यूज कैसे करना है ये समझ जाओ बस, एक दो बार देख लेना ना, नहीं आएगा तो तुरंत डराइव कर लेना, ये भी तो तरीका सीख रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, तुरंत आ जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़े, अब आते हैं, ये हो गया सम और डिफरेंस वाले, डबल एंगल वाले फॉर्मूले देखते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ये बच रहे हैं ना अभी, डबल एंगल वाले में आते हैं, टाइप फोर, टाइप फोर में देखो अगर हम डबल एंगल फॉर्मूले की बात करेंगे तो अब यहां समझना, अब मुझे बताना अगर मैं साइन का लिखूं साइन टू ए इक्वल टू क्या होता है, हाँ साइन टू ए इक्वल टू क्या होता है बताओ, टू साइन ए इंटू, कोई दिक्कत, अच्छा अगर मैं कुछ भी मानूं साइन ए इक्वल टू कुछ मान लूं या कॉस ए इक्वल टू कुछ मान लूं तो क्या लिखेंगे, साइन टू ए लिखा है ये, साइन टू ए को साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं, साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, वही सेम फॉर्मेट चलेगा, जहाँ यहाँ 2a लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2a को साइन a प्लस साइन a लिख सकते हैं कि नहीं, वही बन जाएगा ये साइन a cos a, cos a साइन a यही बनेगा। अब यहाँ साइन a को हम क्या मान लें, साइन a को मान रहे हैं अगर हम भाई जो पीछे माना था हमने, अगर x मान रहे हैं cos इनकी वैल्यू जाएगी ना, अगर मैं साइन ए को अगर एक्स मान रहा हूं यहां से ए इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, लेकिन वैल्यू निकाल लेते हैं जरा देखो, ये तो टू टाइम्स करके यही आ रहा है ना, डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो, ये समझने के लिए मैं बताया, यहां रख लो मान लो, चलो साइन ए को हमने क्या मान रहा है भाई, मैंने क्या मान रखा है वहां पर, एक्स मान रखा है, साइन ए को हमने क्या मान रखा है एक्स, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स। अब जरा देखना ये साइन है, अब यहां रखता हूं मैं साइन का 2a को हमने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स x मान रखा है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू वहां क्या हो जाएगा 2, साइन a की वैल्यू क्या है x है और cos a की वैल्यू क्या होगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन यहां हटाना है अपने को तो साइन इनवर्स से दोनों साइड क्या करते हैं ऑपरेट कर दें, साइन इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन और ये ब्रैकेट में क्या है 2 साइन इनवर्स x, इस ऑल इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन से साइन ऑपरेट होकर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा क्या 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में आ जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम हो बताओ इसमें, साइन का डबल एंगल 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई साइन का है तो साइन वाला आया, कॉस का होगा तो कॉस वाला आएगा, टेन का होगा तो टेन वाला आएगा, लिखा जाए इसको। अब इसी तरह से किसका है, ये हो गया साइन इनवर्स का, इस तरह से कॉस का बनेगा, देखो कॉस का अगर लिखना हो तो कॉस 2a का फॉर्मूला अगर कॉस के टर्म में लिखना हो तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है कि नहीं, अगर मैं cos a को x मान रहा हूँ यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x आएगा कि नहीं, मैं लिख रहा हूँ देखना इसको बताना फिर, अब यहाँ तो जाएगा cos
टू कॉस ए का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है ना दोस्त, इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, क्योंकि कॉस ए को हमने एक्स माना है, कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो इधर से कॉस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा। हो जाएगा कि नहीं, देखो कॉस का अभी से टेन का लिखना है तो हम अगर बताओ टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ मुझे कोई, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन में ही पहले टेन में समझ लेते हैं फिर साइन में भी देखेंगे कॉस में भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करता है। टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं, अगर मैं टेन ए को एक्स मान रहा हूँ, टेन ए को क्या मानूँ एक्स मानूँ, यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं, अब जरा देखना, अब तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो टेन का हो जाएगा ये टू टाइम्स ऑफ एंगल में क्या लिखें, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दें तो ये टेन टेन हट जाएगा, फिर बचेगा यहाँ क्या टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, टू टेन इनवर्स का अगर टेन में ही लिखना हो तो ये बन जाएगा कि नहीं बताओ, आया बेटा लिख लो टेन का। अब टेन के अलावा अगर टेन टू ए का साइन में कॉस में लिखना हो तो क्या होगा, तो भाई टेन के अलावा अगर टेन को साइन कॉस में लिखना हो तो क्या होगा जरा बता, हाँ साइन टू, अब देख इसी टू टेन इनवर्स एक्स का साइन कॉस में लिखना होगा तो क्या होगा, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ सबका तो याद रखना है, थोड़ा खास है, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये टेन में ही हो गया हमारा क्या, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको साइन इनवर्स में लिखना होगा तो ये होगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको कॉस में लिखना होगा तो क्या होगा, ये कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डबल एंगल फार्मूला याद करो साइन की किसकी क्या क्या आता था, एक ये बन गया, एक ये है और एक ये है, हम याद दिलाते हैं आपको फिर लिखते भी हैं समझाते भी। टू टेन इनवर्स का टेन के केस में तो ये आएगा, साइन के केस में आएगा, कॉस के केस में आएगा, कैसे है ये समझ लेना, कहाँ से है ये, अगर साइन टू ए का मुझे टेन के फॉर्म में फार्मूला लिखना हो तो क्या होता था, साइन टू ए इक्वल टू टेन के फॉर्म में फार्मूला क्या आता था, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, याद है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए है कि नहीं। अब हम tan a को अगर x माने हैं तो जहां जहां tan है वहां क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो देखो भैया तो a इक्वल टू टेन इनवर्स x आ गया था कि नहीं, ये साइन ऑफ क्या हो गया था हमारा, जरा बताओ साइन ऑफ क्या हो गया था, टू टाइम्स ऑफ a को हमने tan इनवर्स x माना है ना, तो tan इनवर्स x वहां जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, अब क्या करेंगे हम tan x को हमने tan a को हमने x माना है ना, अब हम क्या करेंगे साइन इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो देखो यहाँ साइन साइन हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ टू टेन इनवर्स एक्स बचेगा ना, सिर्फ टू टेन इनवर्स एक्स बचेगा, साइन इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ टू टेन इनवर्स एक्स बचेगा, और वहाँ साइन इनवर्स चला जाएगा कि नहीं, यहाँ जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही हमने कहा टू टेन इनवर्स को हमें साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा तो ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान रखना टेन में लिखेंगे तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है, साइन के केस में चूंकि फार्मूला ये होता है इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, अब वही अगर कॉस में लिखना होता तो कॉस का भी समझ लो इसी में बता देते हैं आपको, कॉस वाले में आपने क्या देखा था जरा बताएं, कॉस का फार्मूला भी याद है ना, कॉस टू ए को अगर मुझे टैन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, है ना ये हो जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए, यही है कि नहीं, अब टैन ए को क्या मान रहा हूँ मैं एक्स, तो जहाँ जहाँ टेन आ रहा है वहाँ एक्स रखें, जहाँ ए है वहाँ टेन इनवर्स एक्स रखें, ये कॉस ऑफ टू टेन इनवर्स क्या हो गया ये एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स
पर कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा टू इनवर्स एक्स, यहाँ जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स, वही तो हमने कहा टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉस के टर्म में लिखना होगा, तो ये क्योंकि फॉर्मूला है, ये गलती नहीं करनी, यही समझनी है, समझ में आ गई ये बात कैसे है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन, समझ गए ना। अब इसको साइन कॉस में मत लिख देना, ये टेन में ही आएंगे दोनों, ये हम समझें डबल एंगल फार्मूला वहाँ पढ़ा था, ये कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, नहीं समझे साइन टू में टेन का भी फार्मूला पढ़े हैं तो साइन टू टू साइन इनवर्स वाले में ये भी फार्मूला लिख दें, नहीं ये दोनों टेन में आएंगे, साइन का भी और कॉस का भी, क्योंकि साइन का फार्मूला टेन के कॉस में टेन के केस में भी टेन के फॉर्म में भी होता है, कॉस का भी टेन के फॉर्म में होता है, लेकिन ये दोनों किस में लिखा जाएंगे टू टेन इनवर्स वाले जब लिखेंगे तब, समझ आए हमारी बात, कोई दिक्कत, ठीक है भैया, इसलिए ये लिखा जाएगा। फिर एक आता है ट्रिपल एंगल फार्मूला, एक अगला केस है हमारा तुम्हारा टाइप फाइव है ना, टाइप फाइव ये लास्ट केस होगा मेरे ख्याल से, इसके बाद तुम्हारे कुछ है नहीं खास, बस यही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ नहीं, बस यही सब यूज करना आना चाहिए, पूरा गेम इसी का है। ट्रिपल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल में वही चीज़ चलेगा, फिर से वही चीज़, देखो क्या है, अब एक का लिखता हूँ मुझे बताना, अगर साइन थ्री ए का फार्मूला मैं पूछूँ आपसे तो आप बता पाएंगे क्या होता है साइन थ्री ए, जरा बताओ, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ये फार्मूला पढ़े हैं, अगर साइन ए इक्वल टू मैं एक्स मान लूँ, साइन ए इक्वल टू अगर मैं एक्स मान रहा हूँ तो यहाँ से जरा बताना क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख दूँ मैं साइन इनवर्स एक्स रख दूँ, जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ क्या रख दूँ एक्स रखूँ, तो जहाँ जहाँ ए है अगर मैं साइन एक्स रखूँगा तो क्या बनेगा जरा देखो ना, ये तो हो गया साइन थ्री, साइन ए के प्लेस पे अपने को क्या रखना है साइन इनवर्स एक्स रखना है, जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ क्या रखना है एक्स रखना है, तो थ्री एक्स माइनस क्या हो जाएगा ये फोर एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है ना ये। अब देखो साइन दोनों साइन इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं, साइन इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, ये साइन कट जाएगा यहाँ भाई, साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या हो गया ये थ्री साइन इनवर्स एक्स, यही है ना ये, और इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, अब ये साइन से साइन क्या हो गया अपना कैंसिल, यहाँ बचेगा थ्री साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, क्या यही नहीं है फार्मूला बताओ हमें, यही है ना फार्मूला तो रही है। अब इसी तरह से कॉस थ्री का लिखना है, थ्री कॉस इनवर्स एक्स का, फिर थ्री टेन इनवर्स एक्स का, सब जानते हैं ना भाई, ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला है, इनवर्स लिख देना है बस आ जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर मुझे कॉस थ्री कॉस इनवर्स एक्स का लिखना होता तो क्या लिखेंगे हम, देखो कॉस थ्री ए का फार्मूला क्या होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए होता है, इसका मतलब अगर मुझे लिखना हो थ्री कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स, क्लियर है कि नहीं बोलो भाई, ठीक है समझ में आ रहा है सबको ना, बस आसान है। टेन थ्री ए का फार्मूला अगर आपको तो टेन इनवर्स का भी लिख लेंगे, टेन थ्री ए का क्या है फार्मूला जरा बताना, टेन थ्री ए इक्वल टू होता है भैया थ्री टेन ए माइनस के टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए होता है भैया। अब मुझे लिखना है फार्मूला किसका, अब मान लीजिए फार्मूला हमें लिखना है थ्री टेन इनवर्स एक्स का, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा टेन इनवर्स, जहाँ जहाँ टेन है वहाँ एक्स रखो, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, बोलो बहुत टफ है क्या ये, आसान है जस्ट इजिली कर लेंगे सब, फार्मूले लिखने में कहीं कोई दिक्कत आएगी 1% की बताओ मुझे, बस यही है फार्मूला, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो, कोई डाउट और है फार्मूले को लेकर, बाकी क्वेश्चन करेंगे इसको जैसे इंप्लीमेंट करना है देखना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा बस, कुल मिलाकर गेम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का ही है, जिनको फार्मूला याद है और थोड़ा यूज करना आता है वो आसानी से कर जाएंगे, है ना, ठीक है अग्रदी, समझ गए भैया अच्छे तो समझ गए सब, सबको समझ में आ गई ये बात, अब तो हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो डाउट होगा उसको एक एक करके, ओके ठीक है फिर ओके।